नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, हमने साइज के हिसाब से इसे कट कर लिया है और डीप गले का डिजाइन है, तो ये वाला नाप आप 32 से 36 इंच साइज तक रख सकते हैं। लंबाई अपने हिसाब से ही रखनी है, जो साइज है और जितनी बड़ी लंबाई रखनी है उस हिसाब से ले लेना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। और देखिए, गहराई इसकी हम 11 इंच लेंगे, 10.5 इंच लेंगे। 10.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है, तो गहराई आप अपने हिसाब से ही जितना डीप रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं। शोल्डर आर्म और सेम लेना है, बाकी डबल फोल्ड करके जो चौड़ाई ली है तो वो थोड़ी सी साइज के हिसाब से बढ़ा लेनी है। और यहाँ पर देखिए, 1.5 इंच हम डिजाइन के लिए और ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान बना दिया है। तो देखिए, पहले हमने ये अस्तर के ऊपर गले का निशान बनाया, उसके बाद देखिए हमने लिया है पेस्टिंग पेपर और इसके ऊपर हम गले को निकाल लेंगे, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर के ऊपर भी गले की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, पेपर के ऊपर निशान बना दिया है, अब इसको कट कर लेना है। और देखिए, ऊपर ने 1 इंच छोड़ के इसे कट किया है। जब कपड़े पर रखकर इसे पेस्ट कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे तो उसे कट कर लेंगे। ये यहाँ पर नहीं कट किया ताकि जो गले की चौड़ाई है बराबर रहे। अब देखिए, उसके बाद अस्तर और कपड़े को जोड़कर पहले तैयार कर लेंगे। कपड़े की सीधी वाली साइड में हमने अस्तर को रखा है, नीचे की तरफ देखिए इसे पलटी करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तुरपाई वाली जो पट्टी है वो नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए, अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर किनारे से एक सिलाई और चला देनी है। अब देखिए, पूरे अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कपड़ा जो ज़्यादा है उसे कट करके बराबर कर लेना है। अब सेंटर मार्क कर लेना है, तो देखिए इस तरह से हम इस पर सेंटर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, जो गला कट किया है उसे हमने कपड़े के ऊपर रख के प्रेस कर दिया है, तो देखिए कपड़े पर पेस्ट हो गया है। उसके बाद देखिए, हम साइड से जो कपड़ा थोड़ा सा बचा है उसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए, गले को कपड़े के ऊपर रखना है, दोनों निशानों को मिलाते हुए, और पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने गले पर सिलाई लगा दी है, उसके बाद इसे कट करना कर लेना है।
तो इस तरह से देखिए गला हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए डिजाइन के लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा कट कर लिया है। अब इस तरह मोड़ते हुए डिजाइन बनानी है। अब देखिए दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे। इसी तरह इसको भी बनाना है। पहले जोड़ लेना है, फिर वहीं पर एक मोती लगा देनी है। तो इसी तरह देखिए सारी डिजाइन हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गले के नीचे वाली साइड पर डिजाइन को बनाना है, तो जितनी लगेंगी उस हिसाब से हमने सारी डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब देखिए यहाँ पर लिया है हमने न्यूज़पेपर, और पहले पेपर के ऊपर इसे बना लेंगे, उसके बाद गले पर सेट करेंगे। तो डिजाइन देखिए सिर्फ नीचे वाले गले पर नीचे की साइड रहेगी, ऊपर जहाँ तक गले ऊपर वाले गले पर नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ तक इस तरह से निशान बना लेंगे। अब देखिए 1.5 इंच लेंगे, जितना हमने डिजाइन के लिए कट किया था एक्स्ट्रा वहाँ उतना ही लेना है। तो देखिए हमने 1.5 इंच लिया था, तो 1.5 इंच पर इस तरह से निशान बना लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह इसको रखना है। रेड वाली साइड जो डिजाइन की है उसे नीचे की तरफ रखेंगे, और गोल्डन वाली ऊपर की तरफ रखेंगे। और देखिए एक बराबर से मिलाते हुए सभी डिजाइनों को सेट करना है। तो इस पूरे गले पर इस वाले लगभग 8 डिजाइनें लगेंगी, तो एक साइड में 4 सेट होंगी। तो बराबर से ही इसे रखते हुए लगाना है। तो इस तरह देखिए लगा दिया है। अब देखिए इसे कट करेंगे, पेपर को भी कट कर लेंगे, और साथ में जो कपड़ा ज़्यादा है, जो कपड़ा सिलाई के बाहर है, जहाँ से देखिए हमने निशान बनाया था वहीं से रखते हुए सिलाई लगाई है, जो कपड़ा सिलाई के बाहर है उसे कट कर देना है। अब देखिए इस पर पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग पट्टी हमने कट कर ली है, और इस तरह से पाइपिंग बना देंगे। तो इस तरह देखिए पाइपिंग बना दी है। अब इसको देखिए गले पर सेट करना है। तो पहले गले के जो ऊपर वाली साइड में पाइपिंग बनाएंगे, सिर्फ देखिए ऊपर वाली साइड में ही पाइपिंग बनानी है। तो इस तरह देखिए हमने पाइपिंग बना दी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लेनी है। देखिए हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को बना दिया है। अब देखिए ये वाली डिजाइन गले पर सेट करना है, तो पहले बराबर से मिला ले लेंगे। तो बराबर से मिलाने के बाद एक साइड से इस पर सिलाई लगाना है। तो एक साइड से देखिए सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और इस तरह से देखिए पूरे गले पर सिलाई लगा देना है। तो देखिए इस वाली डिजाइन को भी सेट कर दिया है। अब देखिए जो पेपर है उसे निकाल देना है।
पूरे पेपर को अच्छे से निकाल देंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इस तरह से। तो देखिए हमने पेपर को निकाल दिया है। अब देखिए हमने इसी वाले कपड़े से, जो कपड़ा हमने पाइपिंग के लिए लिया है उसी वाले कपड़े से, देखिए हमने यहाँ पर डोरी बनाकर तैयार कर ली है और जितनी पतली हमारी पाइपिंग है उतनी पतली हमने डोरी भी बनाई है। और इस तरह से देखिए इसको लगाना है, डोरी के बीचों बीच सिलाई नहीं एक किनारे से लगानी है और इस तरह दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेना है। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा लेंगे और दो छोटी छोटी सी लटकन बनाएंगे उसी कपड़े से, जो कपड़ा हमने पाइपिंग के लिए लिया है उसी कपड़े से ये दो छोटी सी लटकन हमें लेनी है। तो इस तरह से दो लटकन हम बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए लेस लेंगे गोल्डन लेस, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर कट करना होगा इसको, थोड़ी सी सिलाई यहाँ पर निकालते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। लेस को पहले मिलाना है फिर ज़्यादा गहरे तो कट करना है। अब देखिए इस तरह से लेस को लगाएंगे, आर्म होल वाली साइड से सीधा गले से मिलाते हुए इस तरह लगाना है। तो इस तरह देखिए लेस को लगा दिया है। अब इसका हम प्लेट बनाएंगे। तो देखिए प्लेट बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक बटन लगानी है। तो देखिए हमने बटन लगा दिया है। अब देखिए ये वाली लटकन लेंगे, जो हमने दो लटकन बनाई है, और इसको यहाँ पर लगाना है। तो जितनी बड़ी रखनी है उसी हिसाब से मोती डालेंगे। तो हमने देखिए इसमें मोती डाल दी है। अब यहाँ पर इस तरह से लगाना है, बटन के पास में ही ले जाकर इस तरह से लगा देना है। तो इसी तरह से दूसरी भी लगा लेना है। तो देखिए हमने दोनों लटकन बना दी है, डिज़ाइन हमारा बन के तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।